महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की अपने नेता के प्रति अनोखी निष्ठा देखने को मिल रही है। एक तरफ राज्य की राजनीतिक पार्टियों में बगावत का दौर शुरू है, तो वहीं बीजेपी के इस कार्यकर्ता की अपने नेता के प्रति प्रेम और निष्ठा की चर्चा जोरों पर है। आमतौर पर जो लोग टैटू बनवाने का शौक रखते हैं, वो कोई अपनी पसंदीदा डिजाइन का या अपने करीबी का नाम अपने शरीर के अंगों पर टैटू के रूप में गुंदवाते हैं। लेकिन बीजेपी के इसी कार्यकर्ता ने अपने शौक के खातिर नहीं तो आपके नेता के प्रति प्रेम और निष्ठा के खातिर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार के तस्वीर का टैटू अपने हाथ पर करवाया है। बल्लारपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने अपने नेता सुधीर मुनगंटीवार के फोटो का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है। अब जीवन भर यह टैटू उनके हाथ पर रहेगा। बल्लारपुर विधानसभा के विधायक तथा राज्य के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की तस्वीर हाथ पे गुदवाने के बाद बाकायदा मंदिर में पूजा पाठ करते हुए अपने जन्मदिन के अवसर पर काशीनाथ सिंह ने इस टैटू का अनावरण किया। इस दौरान बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने इस काम की सराहना करते हुए बधाई भी दी। बल्लारपुर शहर के बीजेपी शहर अध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने सुधीर भाव मुनगंटीवार का अपने हाथ पर टैटू बनवाकर अपने नेता के प्रति निष्ठा की एक मिसाल पेश की है। अपने नेता के प्रति इस तरह की दीवानगी का यह पहला मामला है, इसीलिए इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इससे पहले भी मुनगंटीवार के जन्मदिन के मौके पर काशी सिंह ने हर साल कुछ न कुछ नया करने की कोशिश की है। कभी शहर के सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वार में एक साथ ही पूजा अर्चना कर नेता के लंबे उम्र की कामना की है, तो कभी एक ड्रेस कोड में महिलाओं की कलश यात्रा के माध्यम से बल्लारपुर शहर से चंद्रपुर तक पद यात्रा निकाली है, तो जिले के सभी बालाजी मंदिर में सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इस तरह के तमाम अनुष्ठान वे करते आ रहे हैं और अब अपने हाथ पर काशी सिंह ने सुधीर मुनगंटीवार का टैटू बनाकर अपने नेता के प्रति प्रेम और निष्ठा और अब अपने हाथ पर काशी सिंह ने सुधीर मुनगंटीवार का टैटू बनाकर अपने नेता के प्रति प्रेम और निष्ठा और भी गहरी कर दी है। आज मेरे जन्मदिन के निमित्त महाराष्ट्र गौरव लोक नेता विकास प्रभु आदरणीय श्रीमान सुधीर भाव मुनगंटीवार जी का मैंने कुछ दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने उनका चित्र, उनका फोटो अपने हाथ पे मैंने टैटू बनवाया है। आदरणीय श्रीमान सुधीर भाव मुनगंटीवार के जन्मदिन के निमित्त तकरीबन 8 सालों से मैं हर साल कुछ नया अनुष्ठान करता हूँ। कभी पूरे गांव के समस्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, वहां पे उनके लिए पूजा अर्चना करवाने का कार्य, उसके बाद हर समय सार्वजनिक तौर पर कहीं ना कहीं छोटे मोटे कार्यक्रम करते हुए, फिर पिछले साल सम्मानित सुधीर भाव जब 60 साल के हुए, बल्लारपुर शहर के बालाजी मंदिर से 60 महिलाओं ने पदयात्रा करके कलश लेकर के माता महाकाली मंदिर वहां पे गए थे सम्मानित सुधीर भाव मुनगंटीवार जी के मनोवांछित पूर्ण करने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। उसी निमित्त इस बार उनके जन्मदिन के निमित्त मेरे तरफ से एक भेंट होगी और मेरे जन्मदिन के दिन इस टैटू का अनावरण सम्मानित चंदन भैया चंदन जी, हरी शर्मा जी तथा उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी वहां पे मौजूद थे। बालाजी मंदिर में इसका मेरे जन्मदिन के निमित्त सुंदर लोकार्पण हुआ, साथ में हमारे सभी पदाधिकारी थे। मेरा महाराष्ट्र के लोक नेता विकास पुरुष सुधीर भाव मुनगंटीवार जी के लिए सदैव बालाजी प्रसन्न रहे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आदरणीय सुधीर भाव का एक ऐसा नेतृत्व है कि बल्लारपुर शहर के साथ साथ सभी लोग, मेरे अलावा या कोई भी पार्टी हो या पार्टी के अलग के लोग भी, सभी लोग उनके द्वारा, उनके माध्यम से हुए कार्यों के सभी लोग लाभार्थी हैं। ऐसे विकास पुरुष को मैं सदैव उनको सैल्यूट करता हूं और उनके लिए कुछ भी जो भी मेरे से जमता है वो सब चीज करने के लिए सदैव तैयार हूं। मेरा समर्पण सम्मानीय सुधीर भाव मुनगंटीवार जी के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सुधीर भाव। बल्लारपुर से BCN न्यूज के लिए सुनील तायड़े की स्पेशल रिपोर्ट।